तो हेलो गाइस, सैम पाई बैक। तो आज हम बात करेंगे सॉर्ड एट एनिहिलेशन के एपिसोड 89 के बारे में। तो लेट्स बिगिन। हमने किया था इजो के ब्रकोली से मिलने के साथ, तो वहाँ पे उनके मतलब उनका मैच शुरू हो जाता है और इजो मतलब कन्वर्ट करता है। लेकिन ब्रकोली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था, एज उसके पास एक डिवाइन ऑब्जेक्ट था जो कि मतलब क्लॉक थी, जो वहाँ पे मतलब बहुत पहले से थी, जब से सेंट्रल कैथेड्रल में बना हुआ था। तो आप कैसे जो अपना एलिस का वेपन था वही बहुत ज़्यादा पुराना था और उसका वेपन बहुत ज़्यादा पुराना था। जो अपनी एलिस थे उसका वेपन काट सकता है स्पेस को, लेकिन जो ब्रकोली था उसका वेपन काटता है टाइम को, तो मतलब कोई भी फ्यूचर टाइम को काट सकता था, इसलिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है वो। लेकिन इजो के पास में जो आर्ट दी थी कार्डिनल ने, परफेक्ट वेपन कंट्रोल आर्ट, उसके दो फेज थे। जो पहला फेज था वो था अपना इन्हांसिंग, दूसरा रिलीज। इन्हांसिंग तो मतलब तो यूज़ कर रही था दोनों ही क्रीतो और इजो भी, जिससे मतलब कम कम एनर्जी निकलती है, ऑफेंसिव एनर्जी। लेकिन जो अपना रिलीज था उससे मतलब सडन बस्ट में उसकी जो मेमोरी थी तलवार की वो निकल जाती थी, जो मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक पावर निकलती थी। और उसके बाद दो फेज थे उसके अंदर, ब्लू स्वर्ड के अंदर भी। पहला था अपना इंटरनल आइस जो यूज़ करता है और दोनों को मत जमा लेता है, लेकिन ब्रकोली भी स्ट्रांग था इसलिए थोड़ा उसे छूट भी रहा होता है। लेकिन तभी यूज़ करता है उसका जो रोज़ फेस था, जिसकी मदद से वो जो उसके फ्लावर्स थे उसमें आइस में वो ब्लू में जाते हैं, मतलब जो उनकी लाइफ एनर्जी मतलब खींच रहे होते हैं वो, और मतलब दोनों की लाइफ एनर्जी खींच रहे होते हैं। लेकिन जो अपना इजो था उसके अकॉर्डिंग जो उसकी लाइफ एनर्जी बहुत ज़्यादा थी उससे, क्योंकि जो अपना ब्रकोली था बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो गया था, तभी उसे मतलब याद करने की कोशिश करता है कि मतलब जो तलवार थी उसकी वो उसने मतलब वहाँ पर छोड़ी थी और कैसे उसने ड्रैगन को मारा हुआ था। पर उसे इस पर कोई विश्वास नहीं करता वो, ना उसे रेमिस्ट्री पर विश्वास था ना इस पर विश्वास था, क्योंकि उसे बच्चा निकालना लगता है कि मतलब हेवन से आया वो, पर इस पर विश्वास नहीं कर पाता वो। लेकिन तभी वहाँ पता चुदैलकिन आता था, प्राइम सेनेटर चुदैलकिन, जो मतलब एक और विलन है। वो उन्हें बताता है कि मैं जब वो अपनी उठेगी एडमिनिस्ट्रेटर वो मैं रिप्रेस कर देगी मतलब सबको जितने वहाँ के इंडियन नाइट थे, ताकि मतलब उनकी मेमोरी मिट जाए जो अभी यहाँ पे हो रहा है सीन, और फिर से मतलब अपनी मेमोरी पे डाल सके उनको, मतलब उनको ब्रेन वॉश कर सके। और इससे मैं बहुत ज़्यादा हैरान होता ब्रकोली, नहीं तभी उसको मतलब पेट्रीफाई कर लेता है डीप फ्रीज की मदद से, मतलब पत्थर की मूर्तियाँ बना देता है ब्रकोली को, और जो इजो को वहाँ से ले आता है उसके रूम के लिए, एडमिनिस्ट्रेटर के रूम के लिए। और दूसरी साइड जो अपने क्रीतो और एलिस होते हैं वहाँ पे मतलब इंतजार कर रहे थे, थोड़ी रोशनी हो जाए मतलब फिर से चढ़ना शुरू कर दे वो। तभी जो मतलब क्रीतो से बताता है कि मतलब ट्रुथ क्या है वहाँ का, कि मतलब वहाँ पे क्या हो रहा है और इसके जो एडमिनिस्ट्रेटर मतलब क्या कर रहे हैं, तो उसे बताते हैं कि मतलब जो वो लड़की थी विलेज की थी और जब उसने वहाँ पे क्रॉस की बाउंड्री तो मतलब उसे वहाँ से ले गया गया था और जो उसकी मेमोरी तो मैं सील कर लिया गया था एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा, तो मैं थोड़ा मतलब हैरान हो जाती है। तब मैं बताता हूँ उसके मतलब माँ पापा उसकी बहन के बारे में, तो मैं थोड़ी उसकी मेमोरी थोड़ी मतलब आने लग जाती है और थोड़ा सा मतलब विश्वास भी आता है लड़की के ऊपर। तो मैं तो बताता है कि उसकी मतलब मेमोरी वापस मिल जाएगी उसकी ओरिजिनल की, तो जो भी कि एलिस मतलब वो सीज कर देगी एग्जिस्ट होना, मतलब अभी की एलिस मतलब गुम हो जाएगी और पुरानी से वापस आ जाएगी, जिसके लिए मतलब वो मान जाती हैं। एज मतलब उसे लगता है कि उसने जो पुरानी एलिस मतलब थोड़ा गलत किया है, मतलब थोड़ा अजीब सी बात थी, लेकिन तब भी मान जाती है वो। और तभी वो बताता है कि जो अपना डार्क टेरिटरी थी वो अपनी पूरी सेना इकट्ठा करने वाली थी, लेकिन जो यहाँ की मतलब इस साइड के लोग थे वो अपनी कोई भी सेना इकट्ठा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेटर था तो हमें डर लगता था कि मतलब कोई सेना वो बनाएगी तो क्या पता उसको मतलब वहाँ से उतारते गद्दी से वो, तो उसने मतलब कोई भी इंतजाम नहीं किया था। तो आप कहते में डार्क टेरिटरी उन पर अटैक करता मतलब हार जाते वो, तो फिर रोकना चाहता एडमिनिस्ट्रेटर को वो। तो मतलब जो अपनी लड़की थी मतलब वो मान जाती हैं और जो अपनी ड्यूटीज़ थी उन्हें मतलब वो छोड़ना चाहती है उस एडिट नाइट की। तभी जो उसकी मतलब आई थी मतलब वो ख़राब होने जाती है, राइट आई, जैसा इजो साथ हुआ था वैसे उस साथ में होने लगता है। तभी जो क्रीतो था मना करता था करने से और बताता है कि मतलब कैसे उस पर सील लगी है चर्च के द्वारा, ताकि मतलब कोई भी चर्च को डिफाई करें तो मतलब एक्टिवेट हो जाए। तो इस पर मतलब उसको और ज़्यादा दुख होता है एलिस को, कि मतलब इतना सारा उसने काम किया तभी उसे कंट्रोल जाए सील के द्वारा, तो मतलब उसने पूरे जोश में मतलब फाड़ दिया सील को और मतलब वहीं पर बेहोश हो गई। और उधर जब इजो उठता है तो अपने वो पता है 100th फ्लोर के ऊपर जो मैं टॉप फ्लोर था जो मतलब एडमिशन का रूम था, तो वो देखता कि मतलब वहाँ पे सोई हुई थी, तो उस पर अटैक करने चले आता है वो अपने डैगर के साथ। लेकिन जो डैगर था मैं लास्ट बचा हुआ था और उसमें संभाल जाता है एलिस के लिए, तो मतलब इसी अपने झिझकने के कारण जो अपनी एडमिनिस्ट्रेटर में उठ जाती है, और तभी मतलब वो थोड़ा मतलब हैरान हो जाता है उसको उठने के साथ। तो बेसिकली जो बताती है एडमिनिस्ट्रेटर उसको कि उसको मतलब आज तक कोई मतलब प्यार नहीं मिला है, मतलब कैसे जो उसकी इनसिक्योरिटीज का मतलब फ़ायदा उठाती है वो, और उससे बताती मतलब जितने उसके लोग थे उसे मतलब सही प्यार नहीं करते वो, और मतलब वो उसे प्यार करेगी, तो मतलब थोड़ा मतलब भाग जाता है वो प्यार में, प्यार के चक्कर में सॉरी। और तभी जो अपना उसका प्रोटेक्शन था उसकी फ्लैट लाइट की, उसे मतलब वो खुद ही मतलब उसको डिसेबल कर लेता है उसके बोलने पर, क्योंकि उसे लगता है प्यार करने वाली उससे वो। तो इसके बाद जो अपनी अपनी एडमिनिस्ट्रेटर मतलब पूरी तरह से उसको काबू कर लेती है वो,
और इसके बाद मतलब क्या होगा ये यहीं पे एंड हुआ था एपिसोड, इसकी अगली के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक सायोनारा। दिल करो खुद को उड़ने लगा मैं आसमान में।